हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, जिसका नाम है आई एम विश्वा। तो दोस्तों, आज मैं बिना किसी ओवर एक्टिंग के तुरंत ही स्टार्ट करता हूँ मेरा मेन टॉपिक। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ मेरा एक शो जिसका नाम है आई एम भुखड़ शो। तो दोस्तों, मैं इस शो में लेके आऊंगा तरह तरह की रेसिपीज, और तो और मैं फूड एक्सप्लोर भी करूंगा हर रेस्टोरेंट में, हर होटल्स में जाके। तो दोस्तों, मैंने आज सोचा कि चलो आज मैं पहले घर पे रह के ही एक फूड रेसिपी आपको दिखाता हूँ। वैसे तो दोस्तों आपको पता ही होगा, मगर हमारी जो इंडियन औरत है उनके लिए ये जो रेसिपी अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो बाई हाथ का खेल है। 5 मिनट में हमारी इंडियन औरत है वो रेसिपी तुरंत ही एक झट से रेडी कर देती है। तो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रहा हूँ मसाला राइस। तो दोस्तों, मसाला राइस कैसे बनता है मैं आपको दिखाता हूँ मेरे तरीके से। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मसाला राइस बनाने के लिए लगता है चावल। मैंने दोस्तों 2 कप चावल लिए है, 2 के लिए है दोस्तों, आपको भी वॉश करके लेना है। साथ में दोस्तों लगेगा वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में दोस्तों मैंने लिया है ग्रीन पीस है, कैरेट है, 1 कैप्सिकम लिया है, 1 आलू लिया है, 2 प्याज लिए है, और ये है दोस्तों ग्रीन चिली। और दोस्तों मसाला में लगेगा आपको रेड चिली पाउडर लगेगा, हल्दी लगेगा, धनिया पाउडर लगेगा, नमक लगेगा, और तो और आपको दोस्तों ये अगर आपको लेना है और ज्यादा टेस्ट के लिए गरम मसाला वो भी आप ले सकते हो। साथ में दोस्तों ऑयल लगेगा और 2 ग्लास पानी लगेगा। तो दोस्तों चलिए अभी शुरू करते हैं हमारी मसाला राइस बनाने की रेसिपी। तो दोस्तों सबसे पहले हम गैस चालू कर देते हैं। तो दोस्तों हमें गैस रखना है नॉर्मल फ्लेम पे, और सबसे पहले दोस्तों हमें उसमें डालना है ऑयल डालना है। दोस्तों अभी हम डालेंगे आधी चम्मच से भी कम राई के दाने। दोस्तों अभी राई के दाने जैसे ही गर्म होने लगे तो हम उसमें डाल देंगे हल्दी। दोस्तों आधी चम्मच हल्दी डालेंगे। अभी दोस्तों हम बारीक बारीक सब वेजिटेबल्स डालेंगे। अभी दोस्तों हमने जो चावल है, जो वॉश किए हुए चावल है, वो इसमें सब डाल देंगे। और इसके बाद हमने जो 2 ग्लास भर के पानी रखा है वो पानी इसमें डाल देंगे। जो भी मसाला है वो डालेंगे, रेड चिली पाउडर डाल दिया, धनिया पाउडर डाल दिया दोस्तों मैंने, 1/2 चम्मच नमक डाल दिया दोस्तों मैंने। ये बड़ी चम्मच है दोस्तों, इसलिए मैंने 1/2 चम्मच डाला। और दोस्तों और ज्यादा टेस्ट के लिए हम डालेंगे गरम मसाला। अभी दोस्तों अभी ये सब हम मिक्स कर देंगे, और अभी ये हम कुकर बंद कर देंगे। तो दोस्तों हमने कुकर लगा दिया है, अभी हमें वेट करनी है 2 सीटी बजने तक। 2 सीटी बजने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो मसाला राइस बनाया है उसका टेस्ट कैसा है। तो दोस्तों 2 सीटी बजने के बाद हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि सब एयर निकल जाए, एयर निकलने तक हमें वेट करना है। ऐसे ही सब एयर निकल जाती है, देखिए सब एयर निकल गई है, फिर हमें कुकर ओपन करना है। आप देख सकते हो हमारा मसाला राइस रेडी हो गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख रहे हो, वाओ, फुल वेजिटेबल्स से भरा हमारा मसाला राइस। तो चलिए दोस्तों अब मैं ये मसाला राइस टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि ये कैसा बना है। दोस्तों तो मैं ये मसाला राइस का फर्स्ट
स्पूड टेस्ट करने जा रहा हूँ। वाह दोस्तों बहुत टेस्टी है, आप भी बनाइए, थोड़ा सा गर्म है और बहुत अच्छा बना है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अभी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं ये मसाला राइस मेरा फिनिश कर दूँ। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, और हाँ आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों बेल आइकन भी दबा दीजिए। और हाँ फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, वो वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कीजिए। चलिए दोस्तों जय श्री राम।